जब यहाँ लाडली लक्ष्मी और लाडली बहन ही परेशान है तो आपकी योजना का क्या मतलब? हम लोग 1000 रुपए के लिए वहाँ लाइन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ इस दारू की दुकान को हटाने के लिए सब बैठे हैं। हमें 1000 रुपए नहीं चाहिए, सबसे अच्छा ये दारू की दुकान हटवा दीजिए। महिला नमस्कार, आप देख रहे राजधानी समाचार। बात की जाए भोपाल के हम आनंद नगर चौराहे के पास है, चौराहे के पास में देखें ये तमाम जो महिलाएं बैठी हैं, देख सकते हैं वहाँ ये महिलाएं कोई विशेष काम के लिए ही बैठी हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शराब की दुकान हटाने के लिए आंदोलन कर रही हैं। और साथ में ही सुंदरकांड किया जा रहा है, देख सकते हैं ये अंग्रेजी शराब की दुकान जो पटेल नगर की है, आनंद नगर में बनी हुई है। इसकी हम बात करें, कुछ महिलाएं भी किस प्रकार से समस्या हो रही है महिलाओं को, देख सकते हैं ये शराब की दुकान हटाए हेतु महिलाओं का आंदोलन जारी है। क्या कहना चाहती हैं और ये कब से आंदोलन चल रहा है? ये आंदोलन आज चौथा दिन है आंदोलन का। जब तक ये शराब की दुकान यहाँ से नहीं हटाई जाएगी, ये हमारा आंदोलन जब तक रहेगा। ये महिलाओं का आंदोलन है, किसी पुरुषों का आंदोलन नहीं है। ये शराब की दुकान ये आनंद नगर एरिया में आती है, ये पटेल नगर नहीं है, ये आनंद नगर, ये जहाँ की है वहाँ इसको शिफ्ट करा जाए। ये विगत 22 सालों से चल रही है। 2015 में भी हमने इसका आंदोलन करा था, लेकिन हम उस समय कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन भगवान से विनती है और आप लोगों से भी सबसे कि हमें अरे ये कलारी को जल्द से जल्द हटाने का कष्ट करें। बाकी सारी महिलाएं परेशान हैं, यहाँ के बच्चों निकलते हैं, यहाँ के लोग अश्लील हरकतें करते हैं, बाथरूम करते हैं, इस कलारी के चक्कर में हम लोग विगत बहुत दिन से अति परेशान हैं। जिसकी कलारी है भगवान दास खामरा की, उनसे भी हमारी यही विनती है कि आप इस कलारी को यहाँ किसी को भी ना दें, यहाँ कुछ अच्छा धार्मिक स्थल का कार्यक्रम करवाएं, अच्छी चीज़ें करवाएं। हम यही चाहते हैं कि यहाँ मंदिर बनवा दो, सबसे ज़्यादा अच्छा है। भैया आज चौथा दिन है ये शराब की दुकान यहाँ से हटे, यहाँ से गली में से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। लड़कियाँ निकलती हैं हमारी, पढ़ने जाती लिखने जाती हैं, इससे निकलती हैं, बहुत परेशानी होती है हम लोगों के यहाँ से। महिलाएं बैठी हैं, देख सकते हैं कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ माताएं भी हैं, लगातार इस शराब की दुकान के आंदोलन कर रही हैं। उधर कुछ सुंदरकांड भी कर रहे हैं, उन लोगों से बात भी करेंगे। उधर हम चलते हैं, दिखाते हैं कि किस प्रकार से जिस मामा शिवराज सिंह कहते हैं कि लाडली बहना योजना चला रही, आज उन्हीं की बहना इस शराब की दुकान हटाने के लिए बैठी हैं। सुंदरकांड हो रहा है, महाराज जी आप इधर आइए, इधर आइए। और भी साथ में हम पूछेंगे यहाँ कब से चल रहा है सुंदरकांड? अभी 2 घंटे हो गए सुंदरकांड जी। आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई शराब की दुकान के सामने सुंदरकांड करना पड़ रहा है? कहा जाता है कलियों के देवता हनुमान जी, अब उन्हीं की शरण में चलते हैं जी। क्योंकि ये मार्केट के बीचों बीच वाइन शॉप बनी हुई है, यहाँ पे सभी को आने जाने में बहुत दिक्कत हो रही है। और ये नारी शक्ति जो अपने हाथ में इस काम को लिया है इन्होंने, इनके सहयोग के लिए हमें यह सुंदरकांड करना पड़ रहा है और आशा करते हैं कि हम सफल होंगे। सुंदरकांड का आयोजन किया जा रहा है, देख सकते हैं पूरा अभी चल रहा था वह, ये देख सकते हैं अंग्रेजी शराब की दुकान जो पटेल नगर की है वह ये यहाँ पर आनंद नगर में खुली हुई है। तो तमाम महिला इधर आई जी, इधर आई जी, आप क्या कुछ कहना चाहते बताइए। सुंदरकांड का आयोजन श्रीराम मंडल भोपाल द्वारा किया जा रहा है ये शराब की दुकान बंद के लिए, यही सभी लोग का कहना है, यही आह्वान है श्री शिवराज सिंह चौहान जी से, सारी महिलाओं की बात सुनी जाए और शराब की दुकान बंद की जाए रहवासी इलाके से, यही। तो ये सिर्फ सुंदरकांड सिर्फ शराब की दुकान हटाने के लिए है किया जा रहा है, भोपाल के है आप देख सकते हैं आनंद नगर क्षेत्र में आती है दुकान है, तमाम ये महिलाएं बैठी हैं। वह यहाँ क्षेत्रीय विधायक की बात की जाए तो क्षेत्रीय विधायक महिलाएं, कृष्णा गौर का ये क्षेत्र है, उन्हीं के क्षेत्र में अगर महिलाएं आंदोलन करती हैं तो कहीं ना कहीं ये शर्म की बात होती है। हाँ क्या कहना चाहते हैं? कृष्णा गौर ने हमें आश्वासन दिया था कि मैं यहाँ आऊँगी, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं यहाँ कोई भी, मतलब हम महिलाएँ हैं, अगर ये दीदी लोग हम लोगों की तरफ सपोर्ट नहीं करेंगी तो कम से कम इतना तो है कि करना चाहिए। आंदोलन में भागीदारी नहीं कर रही है क्षेत्रीय विधायक? नहीं कर रही है, नहीं आई 4 दिन में नहीं आई। उन्होंने शनिवार के दिन बोला था, जिस दिन मुख्यमंत्री जी को आना था, सॉरी प्रधानमंत्री जी को आना था कि मैं आऊँगी, लेकिन ना वो आई है ना उन्होंने यहाँ की जानकारी ली। इसके अलावा हमने हर जगह आवेदन दिए मुख्यमंत्री जी को भी, जिस दिन वृक्षारोपण का कार्यक्रम था उनके बर्थडे वाले दिन, उस दिन भी हमने उनको खुद ज्ञापन सौंपा, लेकिन उन्होंने भी इस चीज़ की कार्रवाई नहीं की। जब लाल जैसे आपने बोला लाडली लक्ष्मी लाडली
लाडली बहन भेजना सब कर रहे हैं। जब यहाँ लाडली लक्ष्मी और लाडली बहन ही परेशान है तो आपकी योजना का क्या मतलब? हम लोग 1000 रुपए के लिए वहाँ लाइन नहीं लगाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ इस दारू की दुकान को हटाने के लिए सब बैठे हैं। हमें 1000 रुपए नहीं चाहिए, सबसे अच्छा ये दारू की दुकान हटवा दीजिए। महिलाओं का कहना है कि शराब की दुकान हटाई जाए, हमको 1 रुपए महीने नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं बहन बेटियाँ सुरक्षित रहें, और जिस प्रकार से दारू पी के लोग यहाँ पर परेशान भी करते हैं लोगों को, ऐसी भी शिकायत है महिलाओं की। अब देखना होगा कि ये दुकान हटती है नहीं हटती, बड़ा मुद्दा है, गोविंदपुरा विधानसभा का है, काफ़ी महिलाएं इससे परेशान हैं। आनंद नगर में दुकान है, पटेल नगर की दुकान है। जुड़े हमारे साथ, ये बस कमाई की रिपोर्ट, आनंद नगर।